नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है संधि विच्छेद, जो कि हमारे हर एक विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि ये मुश्किल है नहीं। तो अगर आज का वीडियो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आज के बाद आपको संधि में डाउट नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम संधि की बात करें तो सबसे पहले जब संधि की बात करते हैं तो संधि तीन प्रकार के होते हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। और एग्जाम में संधि से दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो शब्द दे दिया जाता है और उसका संधि विच्छेद करके भेद पहचानना होता है, और एक संधि विच्छेद करके शब्द देता है उसको जोड़कर उसका भेद पहचानना होता है। तो हमें पहचानने भी आना चाहिए और संधि विच्छेद करने भी आना चाहिए। विच्छेद मतलब तोड़ना और संधि मतलब जोड़ना। जब दो वर्णों को आपस में मिलाकर नया वर्ण बना देते हैं तो वो है संधि करना, और जब एक शब्द को तोड़कर अलग अलग दो वर्णों में कर देते हैं, दो शब्दों में कर देते हैं, तो वो होता है विच्छेद करना। तो संधि मतलब जोड़ना और विच्छेद मतलब तोड़ना। तो दोनों तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो आज हम दोनों तरीकों को सीखेंगे कि हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे और संधि विच्छेद करके दिया है तो उसका शब्द कैसे बनाएंगे जिससे कि हमारा गलत ना हो। और रही बात पहचानने की, तो पहचानने का वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिए, तो आपको संधि पहचानने में कभी डाउट नहीं आएगा। और जैसा कि संधि की बात करें तो वो तीन प्रकार का होता है, सबको पता है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। और स्वर संधि की बात करो तो उसके पांच भेद होते हैं और व्यंजन संधि के अनेक नियम होते हैं, भेद नहीं होते, अनेक नियम होते हैं। और विसर्ग संधि के भी अनेक नियम होते हैं, इसके भी भेद नहीं होते। तो आज हम जो संधि पढ़ने वाले हैं वो है विसर्ग संधि। और अगर आपने ये देखा तो एक ही ट्रिक है, बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे, कोई रूल एंड रेगुलेशन लगाने की जरूरत नहीं, कोई नियम पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये पांच अक्षरों को याद रखो, ओ र स श श। आई रिपीट अगेन, ओ र स श श, ये पांच अक्षर अगर आपको याद रहे तो इसी पांच से पूरी विसर्ग संधि बन जाएगी। अगर ये अक्षर आपको याद नहीं होते तो उसका भी एक ट्रिक मैंने बनाया है, वो याद कर लो, ओ सर शश, तीन बार बोलोगे याद हो जाएगा, ओ सर शश, ओ सर शश। तो दिमाग में रखो, जब भी कभी विसर्ग संधि आए तो सोचो वो पांच अक्षर कौन सा बताया था सर ने, ओ सर शश, ये पांच अक्षर पे पूरी विसर्ग संधि डिपेंड है। कैसे वो मैं आपको समझाता हूं, ट्रिक क्या है, ओ स र श श की जगह पर आपको विसर्ग लगा देना है, बस इतना ही करना है। अगर शब्द में कहीं कोई भी शब्द दिया हो, अगर उसमें कहीं आपको ओ दिख गया, कहीं आपको स दिख गया, कहीं र दिख गया, कहीं श दिख गया, तो उसकी जगह पे सिर्फ आपको विसर्ग लगाना है संधि विच्छेद करते समय। जैसे एग्जांपल की बात करूं, पहला दिया है मनोरथ, अब ध्यान से देखो, मनोरथ इसमें क्या मिला, मनो ओ मिला, ये मिला ओ, अब ओ मिला तो इसे संधि विच्छेद करना है। तो सिंपल सा है, संधि विच्छेद करते समय बस ओ को हटाओ, उसकी जगह पे दो डॉट लगा दो, बहुत आसान तरीका है। ओ को हटाओ तो ओ को हटाएंगे तो बचेगा मन, और इसकी जगह पे दो डॉट लगाएंगे तो हो जाएगा मन, उसके बाद क्या बचा, प्लस रथ, हो गया, बहुत ही आसान है। कुछ मत करो, कोई ट्रिक, कोई रूल एंड रेगुलेशन मत याद करो, बस ध्यान दो, ओ मिला, स मिला, र मिला, श श मिला, तो उसकी जगह उसे हटाओ, उसकी जगह पे दो डॉट लगाओ। अब इधर मनोरथ में ओ मिला तो ओ की जगह दो डॉट आ गया। अब निर्धन, निर्धन में क्या मिला, र, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर र मिला, निर्धन, तो र को हटाना है, र की जगह पे दो डॉट लगाना तो क्या हो जाएगा, नी, र की जगह पे डॉट आया तो नहीं हो गया, प्लस धन। सेम नमस्ते, अब ध्यान दो क्या मिला, आधा स इधर है तो स को हटाओ, स की जगह पे दो डॉट लगाओ तो हो जाएगा नमः प्लस ते।
सेम निश्चल, अब निश्चल मिला यहाँ स है, स इधर भी है, उसको हटाओ, स की जगह पे दो डॉट लगाओ, निह प्लस छ कक्का। सेम इधर निष्ठुर स मिला ना, स इधर भी है तो स की जगह पे दो डॉट लगाओ, निह प्लस फुर। और कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है, बस ये शब्द ये अक्षर याद रखना, ओ सर शश। कोई भी शब्द सिर्फ विसर्ग संधि में आपको ये अक्षर मिलेंगे, ध्यान देना। और अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने नीचे हलंत भी लगाया, हलंत का मतलब ही होता है आधा, मैंने आपको पहले बताया हलंत मतलब ही आधा। जैसे अगर मैंने फिर से बता दे रहा हूं, राम का जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो होता है र प्लस आ प्लस म प्लस अ। अब इसमें आ स्वर है, अ स्वर है, अब अगर स्वर को ये शब्द में से निकाल लिए तो आधा ही बचा, तो हलंत है ते जान जाओ, हलंत है मतलब आधा। जैसे आप लिख दो विद्यालय, मैंने आपको ये पहले भी बताया, अब विद्यालय बताया विद के नीचे हलंत आया तो ये आधा है, उसी तरह से जहां भी देखोगे वो आधा आधा ही आएगा। निर्धन र पर आधा है, नमस्ते स आधा है, निश्चल स आधा है, निष्ठुर स आधा है, तो आधा ही आएगा। बस उस आधे अक्षर को हटाना है, उसकी जगह पे दो डॉट लगा देना। तो एक तो इस तरीके से पूछता है जो शब्द दे दिया और उसका विच्छेद करके भेद पहचानना है, तो भेद पहचानने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहला तरीका तो ये होता है जो एग्जाम में आता है, उम्मीद करता हूं इतना आप समझ गए। अब दूसरा तरीका, मान लो एग्जाम में तोड़ के दिया, पहले ही संधि विच्छेद करके दिया है और आपको संधि करना है और भेद पहचानना है, तो सेम वो अक्षर याद रखो, ओ स र श श। अब यहां दिया है नमः प्लस कार, मान लो आपको नहीं आता है जोड़ने तो दो डॉट दिखा मतलब आप तुरंत पहचान गए ये तो विसर्ग संधि है। इसमें भी दो डॉट, यही सबसे बड़ी पहचान है विसर्ग संधि की, प्लस के पहले आपको दो डॉट दिखेंगे ही दिखेंगे 110%। प्लस के पहले दो डॉट दिखे, दो डॉट दिखे मतलब विसर्ग संधि, दो डॉट दिखे मतलब, तो ये क्लियर हो गया विसर्ग संधि। अब आपको मान लो जोड़ने नहीं आता है और आपके पास वही पांच अक्षर है, ओ स र श श, अब पांचों को इसमें जोड़ दो डॉट की जगह। मान लो अगर हम इसमें स जोड़े तो नमस्कार, नमस्कार होता नहीं, ओ जोड़ दिए डॉट की जगह तो नमोकार होता नहीं, र जोड़े नमस्कार होता नहीं, स जोड़े नमस्कार होता नहीं, तो बचा स, तो ये हो जाएगा नमस्कार। सिंपल सा है। सेम इधर दो प्लस ट, मान लो आपको आपको तो तुरंत अभी खुद आपके मन में आ गया होगा दो प्लस ट इज इक्वल टू दुष्ट, आपको कोई रूल एंड रेगुलेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत आप कर लोगे दो प्लस ट मतलब दुष्ट। मन प्लस ज, अब लगाओ मान लो मन प्लस ज आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले श लगाओ डॉट की जगह, मनस्य मनस्य मनर्ज मनस्य, होता ही नहीं तो बचा एक ही मनोज, तो हो गया मनोज। इधर आओ निश, तुरंत उत्तर आ गया निश चल, निश्चल होता नहीं, नो नियोचल होता नहीं, निर्चल होता नहीं, तो ये हो गया निश्चल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें। अब दो प्लस लव लगा तो तुरंत आ गया दुर्लभ। अच्छा जोड़ने तो आपको हमेशा आता ही है, आप हमेशा विच्छेद करने में गलती करते हो, ये जोड़ने के लिए जब भी आता है आप तुरंत तुरंत कर लेते हो, ये आसान है और भेद पहचान ने बता ही दिया है, तो हमेशा ये याद रखो यही है, इसी में पूरा विसर्ग संधि समाप्त होता है। हाँ कहीं कहीं एक्सेप्शन है, जैसे रजह कण, प्रातः काल, अंतः पुर, अगर ऐसे शब्द आया जिसके बीच में ऑलरेडी दो डॉट लगा हुआ है तो जब हम इनका विच्छेद करते हैं इन्हें एज इट इज लिख देते हैं, रजह प्लस कण, प्रातः प्लस काल,
सेम एज इट इज लिख देते हैं अंतः प्लस पूर्व, कोई बदलाव नहीं करो। तो जहां पहले से उसमें दो डॉट दिए हैं वहां हम बदलाव, ये एक्सेप्शन है, इसे याद रखना है, ऐसे शब्द है तो दिमाग में रखना कि हमें इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, एज इट इज लिख देना। उम्मीद करता हूं विसर्ग सत्य आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गया तो अब आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है पुरस्कार, पहला है पुरस्कार और दूसरा है हरिश्चंद्र, ये दो का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये आ गया तो समझ लीजिए आप कभी भी विसर्ग संधि में तो गलती नहीं करेंगे। अब बचा हमारा व्यंजन संधि और स्वर संधि, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।